टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ। अब ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। जागीरपुरी हिंसा के बाद चौथे दिन भी तनाव जारी है। दिल्ली हिंसा मामले में अब तक 24 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आज कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव बताई जा रही है और इलाके में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई है। आरोपी अंसार की कुंडली खंगाल रही है पुलिस और साथ ही पुलिस बैंक खातों की भी अब जांच करेगी। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां जहांगीरपुरी हिंसा मामले को लेकर आज चौथे दिन भी तनाव की स्थिति देखी जा रही है। हालांकि हालात काफी हद तक कंट्रोल में है लेकिन उसके बावजूद भी चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है और साथ ही तमाम वीडियोस के आधार पर और लगातार पूछताछ भी जारी है और कई सारी टीमें इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुट गई हैं। तो कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, इसमें कुल संख्या 24 बताई जा रही है और आज संभावना यह भी है कि कुछ लोगों की आज भी गिरफ्तारी हो सकती है, यानी कि गिरफ्तारी होने वाले लोगों का आंकड़ा अब और ज्यादा बढ़ सकता है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता मोहम्मद आसिफ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहम्मद, आज हिंसा का चौथा दिन है, हालांकि तनाव की स्थिति अभी भी देखी जा रही है, लगातार पुलिस प्रशासन की कार्रवाई भी चल रही है, तमाम टीमें इसको लेकर जांच पड़ताल में जुट गई हैं। अब ताजा अपडेट क्या मिल पा रहा है, क्या कुछ और भी बड़े खुलासे हुए हैं पूरे मामले को लेकर? आपको मैं बता दूं कि कल शाम पुलिस ने इसमें मुख्य आरोपी सोनू चिकना को गिरफ्तार कर लिया है, जो की एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक नीला कुर्ता पहना शख्स फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन नीला कुर्ता पहने हुए शख्स जो वीडियो में वायरल हो रहा था पुलिस ने देर शाम उसको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन उसी से उससे पहले ही दोपहर में पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए गई थी लेकिन उसके परिजनों ने पुलिस के ऊपर पथराव करा जिससे एक बार स्थिति वहां पे दोबारा से तनावपूर्ण हो गई है। लेकिन पुलिस ने देर रात उसको गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है और साथ ही साथ पुलिस ने उसके पास से फायरिंग में शामिल वेपन्स को भी बरामद किया है। अभी आपको बता दें कि वहाँ पे स्थिति जो भी है वो थोड़ी तनावपूर्ण है लेकिन पुलिस अधिकारी लगातार वहाँ पे सद्भावना मीटिंग कर रहे हैं। तो देर रात भी लगातार वहाँ पे ड्रोन से नजर रखी जा रही थी, पूरे मुस्लिम बाहुल्य जो इलाका है वहाँ पे लगातार पुलिस कैंपिंग कर रही है और वहाँ पे शांति स्थापित करने का प्रयास कर रही है। अमनदीप मोहम्मद आसिफ, कल हमने देखा कि एक बार फिर से पत्थरबाजी की गई थी, आरोप ये लगाए जा रहे थे कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है लेकिन उसके बाद अब यूपी में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा आदेश दिया कि अगर शोभा यात्रा या फिर कोई भी धार्मिक आयोजन होता है तो उससे पहले परमिशन लेने की जरूरत होगी रैली और शोभा यात्रा को लेकर, और साथ ही अब दूसरे पक्ष को लेकर भी जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है कि आखिर बिना परमिशन के शोभा यात्रा क्यों निकाली गई। तो क्या वहां के जो स्थानीय लोग थे जो एक तरफा कार्रवाई की बात कर रहे थे, काफी ज्यादा आक्रोशित देखे जा रहे थे, उनमें संतुष्टि अब देखी जा रही है? यहां आपको बता दें कि जिस तरह से पुलिस ने रात को इसमें एक प्राथमिकी दर्ज की थी कि पुलिस ने दिन में कहा था कि जहांगीरपुरी इलाके में बिना अनुमति के धार्मिक शोभा यात्रा निकालने का विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था लेकिन पुलिस ने बाद में इसमें एक प्रेम शर्मा को गिरफ्तार किया। लेकिन देर शाम जब विहिप ने सोमवार को धमकी दी कि जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा के संबंध में उसके कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई तो वह दिल्ली पुलिस के खिलाफ आंदोलन करेगा, इसलिए पुलिस ने बाद में इसमें यू टर्न लेते हुए सिर्फ पुलिस ने कहा है कि हमने सिर्फ विवेचना के लिए आरोपी को बुलाया गया है। अभी इसमें पुलिस भी सवालों के घेरे में घिरती नजर आ रही है कि आगे देश ने पहले जो बयान दिया था पुलिस बाद में उस अपने बयान से वापस मुकर कैसे गई है। तो आगे की पुलिस के ऊपर लगातार कहीं ना कहीं ये आरोप लग रहे हैं कि पुलिस एक तरफा कार्यवाही कर रही है, इसीलिए मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं एक तरफा है उनसे पुलिस की नाराजगी अपने सामने जाहिर कर रहा है और इसी को चलते जब कल शाम पुलिस वहाँ पे आरोपी को पकड़ने गई थी सोनू चिकना को, इसीलिए वहाँ पर उनके ऊपर पथराव भी किया गया। और अब अगर उस पूरे क्षेत्र की बात की जाए तो स्थिति कैसी देखी जा रही है? हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस बल अभी भी वहां पर तैनात है लेकिन क्या हालात अब कंट्रोल में देखे जा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात ये कि क्या वहां के लोगों का जो गुस्सा था वो काफी हद तक शांत हो पाया है क्या, क्योंकि अब जो बातें हैं वो कई तरह की निकल कर सामने आ रही हैं,
जैसा कि आपने पुलिसकर्मियों का भी यहाँ पर जिक्र किया, दूसरे पक्ष को भी लेकर अब चीजें जब धीरे धीरे जब चीजें स्पष्ट होती जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि दूसरे पक्ष पर भी आने वाले दिनों में कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे में ताजा हालात क्या देखे जा रहे हैं उस इलाके के? ये हालात जो है, स्थिति अभी भी क्यों तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि इसीलिए पुलिस ने अभी वहाँ पे कल भी जब एफएसएल की टीम पहुंची है, तो पुलिस ने कहीं ना कहीं वहाँ पर एक तरीके से जो वहाँ पे नाराजगी है लोगों में, पुलिस ने उस इलाके की टीमों तरफ से बैरिकेडिंग कर रखी है कि वहाँ पे किसी भी आम आदमी को पुलिस के अलावा जाने की नजर जाने की परमिशन नहीं दी गई है। और साथ ही साथ पुलिस ने मीडिया के भी अंदर वहाँ पे एरिया में जाने के लिए बाउंडेशन कर दिया है, मीडिया को अंदर जाने से रोक दिया गया है। तीनों तरफ बैरिकेडिंग लगा के पुलिस ने वहाँ पे टेंट लगा दिए हैं, ताकि वहाँ पे सिर्फ पुलिसकर्मी ही बैठे हुए हैं। वहाँ पे अन्य रहने वाले जो लोग हैं, पुलिस ने उनको अन्य वैकल्पिक मार्ग जो है उनको इस्तेमाल करने की सलाह दी है, ताकि अंदर कोई किसी भी तरह से जो है वो शांति बनी रहे, अंदर किसी भी तरह से अंदर की कोई एक्टिविटी बाहर ना आने पाए। पुलिस की अभी कोशिश यही है कि पुलिस वहाँ लगातार जो वहाँ के नागरिक हैं, अमन कमेटी के लोग हैं, पीस कमेटी के लोग हैं, पुलिस उनके साथ वार्ता कर वहाँ पे माहौल को संतुलित करने का प्रयास कर रही है। देर रात भी पुलिस ने वहाँ के इलाके में दौरा करा और रात स्थानीय जो लोग थे उनके साथ डोर टू डोर जाके पुलिस उनको समझाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक डर बना हुआ है। इसीलिए खास करके लोगों ने अपनी दुकानें जो है वो एहतियातन तौर पर बंद कर रखी है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आसिफ आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।